सॉरी सर, हम आपकी क्वेश्चन बट आई थिंक हीरो बन आवर सर, ये जो कॉम्पोजिशन का एक्ट का इशू का है, नहीं नहीं इसमें अकेले प्रताप सिंह का ऑफर आ नहीं, नो कमेंट्स ऑन सर, सर नो कमेंट्स ऑन सबसे पहले तो ऑल अरुणाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन की ओर से मैं अपना ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के नए प्रेसिडेंट साहब कल्याण चौबे जी और उसका टीम को मैं अरुणाचल प्रदेश में स्वागत करता हूं। और जैसे हम सबको पता है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का फॉर्मेशन तो बहुत साल पहले 1935-37 में ही हुआ था, मगर अभी तक ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट या उनका एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफिशियल टूर में आज तक अरुणाचल आए ने करीबन 85 ईयर्स हो गया। तो अभी हमारा जो डायनेमिक नेशनल प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के, तो वो एक पर्सनल इंटरेस्ट लेके अरुणाचल प्रदेश में आया और अन्य राज्य भी वो टूर करेंगे बाद में। इनका लीडरशिप में अभी हम लोग की काफ़ी एक्सपेक्टेशंस है कि फुटबॉल का जो एक्टिविटीज़ है और फुटबॉल का जो क्वालिटी है वो अरुणाचल प्रदेश और हमारा नॉर्थ ईस्ट और पूरा देश में एक बदलाव लेके आएंगे। तो ये इनका अपना एक पर्सनल एक काफ़ी मोटिवेटेड है, पहले फॉर्मर फुटबॉलर भी वो रह चुके हैं, तो इनका लीडरशिप में हम लोग काफ़ी एक्सपेक्ट करते हैं कि फुटबॉल में एक बड़ा एक सी चेंज इस देश में देखने को आएगा। और अरुणाचल प्रदेश में क्योंकि हमारा यहाँ के जो बच्चे हैं उसमें टैलेंट है, आज हमारे प्रेसिडेंट AIFF ने गाइडेंस दिया कि अरुणाचल प्रदेश को किस हिसाब से फुटबॉल क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। उनका सुझाव के मुताबिक जिसे उन्होंने गाइड किया कि हमारा स्कूल प्रोजेक्ट में जो बच्चे होते हैं 6 to 12 ईयर्स ग्रास रूट फुटबॉल डेवलपमेंट हम लोगों को करना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली मैंने कहा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ में हम बातचीत करके आई विल टेक इट फॉरवर्ड और डेफिनेटली आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि आने वाला दिनों में भी अरुणाचल प्रदेश में भी फुटबॉल का एक बड़ा चेंजेस हम लोग देख पाएंगे। तो शुरुआत जैसे मैंने सजेस्ट किया कि जहाँ पे जिस स्कूल में जो हमारा फिजिकल एजुकेशन टीचर्स लोग जहाँ पोस्टेड है उसको ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन और अरुणाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन हम लोग जो वर्चुअल मोड में उनको हम लोग कोर्स का ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनर किस प्रकार से फुटबॉल में उसको ट्रेनिंग करना चाहिए, जो वो सर्टिफाई होने के बाद तब जाके इस प्रोजेक्ट को हम लोग स्कूल्स में हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। सर आपने ये कहा था कि इनिशियली मॉडर्न हंड्रेड स्कूल्स को इंक्लूडिंग जो सेंट्रल स्कूल 100 स्कूल्स इन टोटल 100 स्कूल्स में हम लोग करेंगे। जैसे हमारे यहाँ पे सेंट्रल स्कूल्स KVKA है, JNVs भी है, हमारा RK मिशन VKV वगैरह भी है और हमारा काफ़ी सारा गवर्नमेंट स्कूल्स भी है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर और वहाँ के बच्चे का संख्या और फिजिकल एजुकेशन टीचर जहाँ है उसको हम लोग पहले 100 स्कूल्स में स्टार्ट करेंगे। सर माय क्वेश्चन इज लाइक, आपको क्या लगता है कि क्योंकि जो बेसिक टीचर्स है स्कूल्स में वो भी बहुत सारा जगह में नहीं है, तो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स तो इतना नहीं, जहाँ 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 डेटा वाइज में जहां, भी नहीं पता है, नहीं जहाँ है वहाँ पे हम लोग इसलिए ये इसको हम एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ में हम मीटिंग लेंगे और एजुकेशन डिपार्टमेंट गाइड करेंगे कि किस किस स्कूल में क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है और फिजिकल एजुकेशन टीचर कहाँ कहाँ है, अकॉर्डिंगली वी विल टेक अप द प्रोजेक्ट। सॉरी सर, हम आपकी क्वेश्चन बट आई थिंक हीरो बन आवर सर, ये जो कॉम्पोजिशन का एक्ट का इशू का है, नहीं नहीं इसमें अकेले प्रताप सिंह का ऑफर आ नहीं नहीं नो कमेंट्स ऑन दैट सर, नो कमेंट्स ऑन दैट सर। सर ये फिजिकल टीचर्स एसोसिएशन एक क्वेश्चन है सर, ये 2018 को एक एडवर्टाइजमेंट निकला था, तो वो जो एडवर्टाइज हुआ होने के बाद लेकिन उसका अभी तक एग्जामिनेशन नहीं हुआ, तो उसको लेके ये फिजिकल एजुकेशन बच्चे लोग प्रोटेस्ट रैली भी किया था, तो अभी तक एजुकेशन डिपार्टमेंट का कहना है कि उन लोगों ने उनका फाइल को APSC को फॉरवर्ड कर दिया, तो वो अभी तक स्टक है, तो इसके बारे में सर आप कुछ आपका कमेंट। मुझे अभी ऐसे अपना उसके बारे में उतना डिटेल पता नहीं है, मगर ठीक है आपने जो बता ही दिया तो आई विल टेक ए रिव्यू एंड आई विल गेट बैक। एज अ मेडन विजिट टू अरुणाचल प्रदेश, सो आप कौन सा जगह पे आप यू आर प्रोजेक्टिंग टू विजिट इन द एंटायर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन? नहीं देखिए, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि 100 स्कूल हमने उनके विभाग के साथ बात करके, शिक्षा मंत्रालय के साथ ले करके यहाँ के जो 100 स्कूल, जिस 100 स्कूल में कम से कम मिनिमम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब एक फुटबॉल ग्राउंड हो, उसके साथ अटैच वॉशरूम हो, चेंजिंग रूम हो, उस स्कूल में एक फिजिकल एजुकेशन टीचर हो, जो और स्कूल में कम से कम
30 बच्चे हो हर क्लास में, सो क्लास 1 से लेकर के क्लास 6 तक, यानी कि 30 इंटरव्यू इसको निर्णय करेगी, लॉजिस्टिक कहाँ है, कहाँ बच्चे की सुविधा है, वो सारे चीज़ को देखते हैं। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का ये काम रहेगा, आपका जो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स है उसको किस तरह से फुटबॉल के स्किल डेवलपमेंट करके, उसके एजुकेशन को थोड़ा अपग्रेड करके, आप AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के ई लाइसेंसिंग, AIFF के बहुत सारे लाइसेंसिंग है, EDCBA एंड द प्रो, सो ई इज अ बेसिक लाइसेंसिंग, तो कम से कम ई लाइसेंस कोच अरुणाचल में कम से कम 100 कोच बने, महीना में 25 कोच बने, और 4 महीना के टारगेट में 100 अरुणाचल में, अरुणाचल के रहने वाले 100 ई लाइसेंस कोच हो जो कि AIFF लाइसेंस प्राप्त है। सर अरुणाचल के कॉन्सेप्ट में एक मैं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अरुणाचल बहुत ही कमज़ोर है, दिस इज़ अ फैक्ट सर। तो बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे स्टेडियम वगैरह डेवलप ही नहीं, खाली मैदान ही पड़ा हुआ है, और अभी CM सर ने कहा है कि जितने भी DF है उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है प्रेजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर उनको हैंड ओवर कर देंगे कहा, लेकिन इसको लेते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत ही पैथेटिक कंडीशन में, इस पर AIFF किस तरह से काम करेगी सर? नहीं, इसीलिए ना ग्रास रूट डेवलपमेंट आया है। देखिए, ये जो बच्चे आपके घर में, यदि कोई छः साल के 7 साल के 8 साल के बच्चे हो, उनके उनको खेलने के लिए बहुत बड़ा स्टेडियम नहीं चाहिए, उनको खेलने के लिए आपके घर के सामने जो आंगन है वही काफ़ी है, लेकिन उस आंगन में कांच नहीं गिरा हो, कोई कांटा नहीं है, पत्थर नहीं है, वो चीज़ देखना है कि एक छोटा बच्चा को खेलने के लिए कम से कम एक टर्फ मिले जो एक समान हो, और बॉल मिले उनको पासिंग। तो इसलिए मैं कहूँगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में तो यहाँ इस प्रदेश की सरकार बात करेगी, लेकिन ग्रास रूट के लिए कम से कम केयरिंग की आवश्यकता है, हमारे नॉलेज और विजडम की आवश्यकता है। यदि हम सभी को प्रोत्साहित करके बच्चों को ला सकते फुटबॉल खेलने के लिए, तो अरुणाचल निश्चित रूप से भारत के बाकी प्रदेशों के साथ मिल करके फुटबॉल में आगे जाएंगे। सर आप प्रश्न का इसी तरह जवाब देना चाहूँगा कि इनबॉर्न टैलेंट बोल के ऐसा कुछ नहीं होता इस विश्व में, इस पृथ्वी में है कि इनको क्या अपॉर्चुनिटी मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिला है और उस अपॉर्चुनिटी की आपने यूटिलाइज़ किया है तभी आप टैलेंटेड बनते हैं। ये बात सही है कि पिछले 85 वर्षों में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट कभी आया नहीं अरुणाचल में, और आज पहली बार आया है। साथ में ये भी खुशी की बात है अरुणाचल के लिए कि यहाँ से इस बार ट्रेजर है और ग्रास रूट डेवलपमेंट के मेंबर भी हैं, अरुणाचल से 2 रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो अरुणाचल के जो समस्या है अरुणाचल के लोग जानेंगे, क्योंकि इसी कारण से किफा अजय और जॉन लिनम को लिया गया है। तो जिस तरह से उन्होंने अरुणाचल के विषय को हमारे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के ग्रास रूट डेवलपमेंट में लाएंगे, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन केस टू केस स्टडी करके उसके आधार पर इसको निर्णय लेगी, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अपना कोई कसर नहीं छोड़ेगी अरुणाचल को फुटबॉल के मेन स्ट्रीम में लाने। सर आखिरी क्वेश्चन, आने वाले दिनों में क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में कोई एक बड़ा इवेंट, फुटबॉल का इवेंट किया जा सके? 100% मैं हालांकि आज एक एकेडमी का भी दौरा, आज एक स्टेडियम का भी दौरा किया था, और मैं एक स्कूल में भी गया, और यहाँ जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बताया कि फुटसॉल के जिस तरह से यहाँ पे उन्होंने टर्फ बनाने में सरकार मदद करेगी, तो मैं ऐसा आशा करूँगा कि आगे जब मेरी दूसरी बार मुलाकात होगी माननीय मुख्यमंत्री जी से, उनसे मैं पूछूंगा कि यदि अरुणाचल तैयार है किसी बिग इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, चाहे फुटबॉल हो, फुटसॉल हो, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन निश्चित रूप से उस बात पे सहायक बने। सर अदर आइटिनरी क्या होगा ये इवेंट का सर, इसके अरुणाचल को छोड़ के और कौन सा जगह में आप? हम तो जा ही रहे हैं, भारत के सभी कोने में फुटबॉल लोग हम जाएंगे। बेसिकली आइडिया आपने अभी देखा है ग्रास रूट, द फर्स्ट स्टेप इज द ग्रास रूट, तो हमने प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट किया ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का, और उसने स्वीकार किया, और फर्स्ट फीफा ग्रास रूट प्रोजेक्ट अरुणाचल में जस्ट आप विटनेस में लॉन्च हुआ, और जितना भी मेन स्ट्रीम्स से जो पहले हम लोग का नहीं जुड़ पाता था, तो एज आई एम बींग ट्रेजरर ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, जो भी सेंटर में जो भी फुटबॉल ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन में प्रोग्राम्स होंगे डेवलपमेंट के लिए होंगे, तो उनको मैं अरुणाचल में इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश करूँगा।
इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपको भी पता है दैट्स द गवर्नमेंट कंसर्न है और गवर्नमेंट का है, तो AIIFF उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर फंडिंग नहीं करता है, और जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स होता है इंफ्रास्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट को होता है, और गवर्नमेंट को हम लोग रिक्वेस्ट करता है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग को कंसर्न इंफ्रास्ट्रक्चर उसको हैंड ओवर करने के लिए कुछ कुछ का क्लियरेंस भी मिल गया बोला है, तो इसको लेकर क्या थॉट्स है, मतलब कि ये किस तरह से प्रोसेसिंग किया जाएगा? नहीं, इसमें प्रोसेसिंग अभी आपने जो प्रेसिडेंट मुख्यमंत्री जी ने जो कहा तो आपने भी सुना होगा, तो जितने DFAs है उसका क्या होता है फंडिंग का लेके कभी प्रॉब्लम होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। तो इसने मिस्टर प्रेसिडेंट हैज़ अनाउंस फॉर द फुटसॉल ग्राउंड टू कंसर्न एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, वो देंगे ताकि वहाँ से वो